डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखा देना चाहते हैं, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सिक्स नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोजीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्र ज्ञात कीजिए, और इसमें पाई का वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14, एंड रूट थ्री का वैल्यू रखना है 1.73। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें बात किया जाए तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त बनाना है इसमें। ठीक है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना भाई, वो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे तो सेंटर होगा। इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ए भी 15 है, ए भी 15 है, और केंद्र पर कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का। अब इससे हमको दो चीज़ें निकालना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप जानेंगे तो लघु वृत्तखंड तो ये हुआ ना भाई, ये वाला जो कलर कर रहे हैं ये लघु वृत्तखंड हुआ। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका नाम दे दे पी, यहाँ पे हो जाएगा एस क्यू और ये ओ। यानी देख लो, हमको लघु वृत्तखंड का निकालना है, पी एस क्यू पी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। हम कल बताए थे कि अगर यहाँ 60 डिग्री बनेगा कोण, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना, थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसका फार्मूला होता है रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना 60, बट्टा कितना 360 गुने पाई, तो पाई का वैल्यू छठवें क्वेश्चन में कितना रखना है भाई, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है और रूट थ्री का वैल्यू रखना है 1.73। तो यहाँ 3.14 रख दिया और आर स्क्वायर, आर माने कि त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कर देना है माइनस। उसके बाद क्या करना है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का वैल्यू तो 1.73 रखना है, रूट थ्री का वैल्यू जितना रखना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय फोर गुने भुजा, भुजा इसका कितना होगा, तो 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर करके गुना भागा और माइनस कर लीजिएगा इसका, तो जो आएगा घटाकर वो हो जाएगा हम लोगों का एगो का आंसर छठवां क्वेश्चन में। कुल मिलाकर दो सवाल यहाँ पे दिया है, कौन कौन सा सवाल दिया है देख पा रहे होंगे, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो हम लोग निकाल रहे थे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। हमको लघु वृत्तखंड का निकाल लेने के बाद फिर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड कौन पड़ेगा, तो ये तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक लघु है ना, इसको छोड़ करके, मतलब ये सब जो डॉट डॉट दिया जा रहा है ये सब कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड में ये त्रिज्या वाला भी आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज वाला भी आ जाएगा और इधर वाला खाली वाला भी भाग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से
अगर ये लघु वाला त्रिज वृत्तखंड को घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा। यानी कि इसमें कुल क्या करना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उसमें से माइनस कर देंगे इसका जितना आंसर आएगा ना यहाँ घटाकर, ये वाला यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड यहाँ पे जितना आएगा ना वही वाला यहाँ रख देंगे, और पाई का मान कितना रखना है 3.14, और आर स्क्वायर का मान है 15 का स्क्वायर माइनस ये वाला। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है, और जितना आएगा फिर वही हो जाएगा हम लोगों को आंसर। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बोला जा रहा था, एक लघु वृत्त खंड भी और एक दीर्घ वृत्त खंड भी बोला जा रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इजी वे में हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे अभी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले दिखा देते हैं क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें भी हम लोगों को पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, और √3 का वैल्यू 1.73 प्रयोग कीजिए। लिखा हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है लेकिन केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री। चलिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त की रचना करते हैं। यहाँ पे एक वृत्त का रचना किया, इस वृत्त में हम लोगों को यहाँ पे सेंटर है और इस केंद्र पर टोटल 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 120 है। जब इसका हाफ हाफ करेंगे, इसके जी वृत्तखंड बनाएंगे तो यही ना वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है। हमको तो किसका क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जो कलर किया गया है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका आधा आधा करते हैं, इस एंगल को आधा आधा कर दिया तो ये बन गया हम लोगों को 60 और ये बन गया हम लोगों को 60, यानी कि 60-60 में ये बट गया, ठीक है। त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी, और ये वृत्तखंड हो गया डी, इस जो लंब डाले इसका नाम हो गया ई। अब देखिए हमने यहाँ पे एक रचना किया कि ए ई परपेंडिकुलर, रचना में लिखेंगे कि ए ई परपेंडिकुलर ए ई लंब बी सी खींचा, ठीक है। तो ए ई लंब बी सी खींचेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी ई में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, आप ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से चलेंगे तो ये थीटा जिधर रहता है उसके सामने पी होता है, यानी कि पी का मतलब बी से लेकर ई तक है ना, और एच का वैल्यू त्रिज्या इसका दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 12 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब अगर त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा में एच साइन थीटा। तो थीटा यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बराबर पी, पी मतलब इसके सामने वाला ना, यानी कि बी ई, बी ई बटा में एच कर्ण कितना है 12, और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, बी ई बटा में 12, 2 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, इसलिए बी ई का मान कितना हो गया 6√3, यानी बी से लेकर ई तक के मान हो गया 6√3, ठीक है। तो जब बी ई मेरा 6√3 हो गया तो हम अब इसका ए ई का नए मान निकाल सकते हैं। तो इसमें ए ई क्या है, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो हम ई वाला ए ई का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम चलेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या लिखेंगे, ए ई का स्क्वायर बराबर, ए ई का स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जो कि कर्ण है उसमें से
ये आधार को घटा देंगे, यानी कि बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस बी अभी निकाले हम लोग कितना 6√3 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 गुना में 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, ए का स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, और 36 18 की 8 हाथ में 1 108, और 144 में से 108 को घटाएंगे तो 8 6 14 की 4 हाथ में 1 9 और 1 सॉरी कितना होगा यहाँ पे 8 से 4 1 2 और 1 3 1 4 यानी कि 26 होगा, नहीं 36 होगा सॉरी, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कि यह ऊंचाई जो है हम लोगों का 36 पता चल गया, यही AE को हम ऊंचाई बोलेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसके आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, BE का वैल्यू कितना आया 6√3, तो हम B से लेकर C तक के अगर निकालना चाहते हैं BC, तो BC कैसे निकलेगा, तो इसका दोगुना ना होगा क्योंकि E वाला जितना है E भी इतना ही है, तो BE का कितना कर देंगे डबल कर देंगे, तो 2 × BE का मान आया 6√3, तो 6 × 12√3, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे आधार बोल देंगे, हो जाएगा 12√3। अब निकालिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूरा का, तो ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे कैसे निकालेंगे 1/2 × आधार × ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है तो आधार 12√3 है गुने ऊंचाई कितना है 6, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से 2 × 6 = 12 सॉरी 2 × 3 = 6 कट गया 3 बार में, तो यहाँ 36√3 हो गया। अब इस √3 का मान यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है, √3 का मान यहाँ पे कितना रखने के लिए बोल रहे हैं 1.73 जितना आएगा cm². तो ये तो हम लोग अभी त्रिभुज ABC का ना निकाले, हमको क्या निकालना है, हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा जो त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, पूरा त्रिज्यखंड में थीटा हम लोगों का 120 दिया है, पूरा जितना त्रिज्यखंड है उसमें त्रिभुज का जो निकाले हैं ना जो यहाँ निकलेगा उसको घटा लेना है, यानी उसके नीचे आप क्या कीजिएगा, अब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा, और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कुछ होता है θ/360 × π r², थीटा कितना रखिएगा 120, क्योंकि केंद्र पर 120 डिग्री था, हम लोग तो अपने ना आधा आधा बांटे थे 60 60, अपने से रचना करके यहाँ, तो थीटा 120 रखिएगा, पाई का मान 3.14 रखिएगा, आर त्रिज्या 12 रखिएगा, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा जो ABC वाला आएगा ना उसको माइनस कर दीजिएगा, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा आंसर। तो देखा जाए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक के कंप्लीट किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस को अगले दिन हम लोग करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।